वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉक्स टेक। आई हूं अभी और आज हमारे पास ओप्पो की तरफ से आने वाले एनको M31। चलिए करते हैं फिर इसकी अनबॉक्सिंग और देते हैं आपको इसका रिव्यू। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लिए। चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो ये रहा हमारा ओप्पो एनको M31। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन। यहाँ देखिए लिखा हुआ है LDAC का सपोर्ट है, इसमें हाई रेजोल्यूशन ऑडियो है। तो ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है LDAC का सपोर्ट है, जिससे आपकी जो ऑडियो की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हाई रेजोल्यूशन वायरलेस ऑडियो है। 9.2 के इसमें ड्राइवर्स दिए हुए हैं और इसमें नॉइस कैंसिलेशन भी बहुत अच्छी हुई है। देखिए यहाँ पे सारे सब कुछ दिया हुआ है, स्मार्ट मैग्नेटिक कंट्रोल, अगर आप मैग्नेट ओपन करते हैं तो ये सारा ऑन हो जाएगा। चलिए फिर करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं इसका रिव्यू। ये रहा हमारा डब्बा, ये ओपन हो गया है, ये रहे हमारे नेक बैंड। चलिए फिर इसको साइड में रखते हैं, पहले देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये रहा इसके डॉक्यूमेंटेशन, आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। और इसमें देखते हैं क्या है, ये देखिए इसके एयर टिप्स वगैरह हैं, अगर आपके कान उस हिसाब से आप इसको फिट कर सकते हैं। और इसमें ये देखिए इसके अंदर ये इसकी डाटा केबल है, टाइप सी डाटा केबल है, तो आपको दो तीन केबल कैरी करने की ज़रूरत नहीं। चलिए सब साइड करते हैं और अपने नेक बैंड पे आते हैं। ये रहा हमारा नेक बैंड, चलिए फिर इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए ये रहा, चलिए इसको निकाल लेते हैं आराम से। ये देखिए ये रहे हमारे नेक बैंड और ये देखिए इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए ओप्पो की ब्रांडिंग है यहाँ पे, और ये कुछ पोर्ट्स एंड बटन्स हैं, और ये देखिए इसमें टाइप सी चार्जिंग भी है, और ये देखिए ये मैग्नेट्स के साथ आते हैं। ये देखिए आप इसको अगर मैग्नेट हटा देंगे तो ये ऑन हो जाएगा और लगा देंगे तो ये बंद हो जाएगा। चलिए इसके पोर्ट्स एंड बटन की बात करते हैं। तो ये देखिए ये क्विक बटन है, इससे सारे आप तुरंत, जैसे कॉल लेनी है तो आप इसको कॉल भी दबा सकते हैं। ये वॉल्यूम अप और डाउन के लिए बटन दिया है। ये देखिए आपके माइक्रोफोन दिया हुआ है यहाँ पे, और ये देखिए कितने ज़्यादा, मतलब ये फोल्डेबल, आपको आराम से अपने पैंट वगैरह में या अपने बैग वगैरह में आराम से रख सकते हैं। बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो ये देखिए ये रहा हमारा नेक बैंड, ये देखिए ये जो चीज़ है ये जो आप देख रहे हैं ये रबर की बनी हुई है, ठीक है, और ये आपका प्लास्टिक है, और ये आपकी देखिए ये गोल्डन की कोटिंग दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, जो कि ये फिनिश बड़ी अच्छी लग रही है। और ये इसकी वायर है और ये हमारा मेन ड्राइवर, ठीक है। तो चलिए फिर अब इसको हम पहन के देखते हैं कि इसकी फिटिंग्स वगैरह कैसी हैं। तो ये मैंने पहन लिया है, अब चलिए देखते हैं इसकी फिटिंग्स। तो ये मैं कान में अपने लगाता हूँ और बोल दिया इसने पावर ऑन, तो इसकी फिटिंग्स वगैरह भी ठीक है, आपके कान वगैरह से ये जाएंगे नहीं और प्रॉपर आपके कान में ये चिपक जाएंगे। अगर आपके कान से ये जाते वगैरह हैं तो आपको अलग से ईयर टिप्स वगैरह दिए गए हैं जो आप लगा सकते हैं और आपको प्रॉपर फिट हो जाएगा। और इसमें नॉइस कैंसिलेशन भी है, तो आपकी जो कॉल्स वगैरह की बात है तो इसमें नॉइज़ वगैरह पूरी प्रॉपर कट हो जाएगी। और आपको बाहर, अगर आप बाहर जाके कोई कॉलिंग वगैरह करते हैं या आप बिजनेस से रिलेटेड कोई बात वगैरह करते हैं तो आपको आराम से ये हेल्पफुल है। और चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। तो देखिए इसमें 9 mm के ड्राइवर्स हैं, तो आपको साउंड क्वालिटी बहुत तगड़ी मिलने वाली है, ठीक है। और इसमें बेस मोड भी अलग से आता है, ये जो आपका फंक्शनल बटन दी हुई है ना, इसको अगर आप डबल टैप या होल्ड करके रखते हैं तो आप बेस मोड पर तुरंत शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आप इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं अपने फ़ोन से। ये हमारा फ़ोन है, चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। ये हमारा फ़ोन ऑन हो गया है, तो ये देखिए इसको ऑन कर लिया हमने। चलिए देखिए इसको ब्लूटूथ को ऑन कर लेते हैं। ये देखिए अब इसको देखिए, ये है इसके मैग्नेट को हम हटाएंगे, ये हमारे नेक बैंड ऑन हो गए हैं, ब्लूटूथ ऑन हो रहा है, ये देखिए पेयरिंग मोड में आ गया है। अब ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें देखिए ये देखिए इसमें LDAC कोड का सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, जिससे कि हाई क्वालिटी आपको ऑडियो सुनाई देगी। तो हमारा नेक बैंड फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है, तो चलिए फिर एक्सपीरियंस करते हैं इसके साउंड को। चलिए फिर पहन लेते हैं इसको और फिर करते हैं इसके साउंड को चेक। फिर उल्टा पहन लिया यार, ये रहे हमारे, लगा दिया हमने। तो भाई साहब इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि बेस मोड के साथ मैंने इसको सुना और LDAC के सपोर्ट के साथ सुना, तो काफ़ी अच्छा साउंड है और बैलेंस मोड पे साउंड है। अगर आप बेस लवर भी है ना तो आपको ये नेक बैंड बहुत पसंद आने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं।
वाटर रेजिस्टेंट की। तो ये IPX5 सर्टिफाइड है, तो आपको थोड़ा बहुत स्वेट वगैरह झेलेगा। अगर आप जिमिंग वगैरह भी करना चाहते हैं या आप करते हैं, अगर आप जॉगिंग वगैरह पे भी जाते हैं, तो आपका स्वेट जो है वो आराम से ये झेल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके सपोर्ट्स क्या क्या है। तो इसमें देखिए AC का सपोर्ट तो इस प्राइस रेंज में आपको मिलता है, मगर इसमें एक अच्छी बात है कि आपको इसमें एल्टेक का सपोर्ट मिल रहा है, जिससे कि इसकी साउंड जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी बढ़ जाती है। तो ये आपको अंडर 2000 अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बैटरी और वेट की। तो ये 22 ग्राम का इसका वेट है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप इसको अपने गले में पहनते हैं तो आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके बैटरी की। तो ये आपको 8 घंटे का बैटरी बैकअप देता है विथ एल्टेक अगर आप इसको ऑन करते हैं। अगर आप एल्टेक ऑफ कर देंगे या बेस मोड ऑफ कर देंगे तो आपको ये 8 से 9 घंटे का भी बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। अब बात आती है कि आपको ये नेकबैंड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आपका बजट अंडर 2000 है और अगर आप बेस्ट नेकबैंड अगर लेना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको ये जरूर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए 2000 के अंदर एल्टेक का सपोर्ट अभी तक किसी में भी नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। और दूसरी बात, साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, बेस मोड के साथ भी आ रहा है ये। और देखिए फिनिश वगैरह भी बहुत अच्छी, देखिए ये जो गोल्डन फिनिश आ रही है ना, बहुत अच्छी लग रही है और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी, क्योंकि 2000 के अंदर है, और काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल भी, क्योंकि ये देखिए आप आराम से एक हाथ में इसको पकड़ सकते हैं। तो आपको ये ज़रूर खरीदना चाहिए।